यस बेटे, कल दी क्लास अपन लेसन स्टार्ट किया सी बलदा वाला प्यारा सिंह। प्यारा सिंह इस लेख का मेन करैक्टर है जिदे नाल बलदा वाला एक एडजेक्टिव लग्या होया कि वो बलदा वाला प्यारा सिंह करके पिंड विच मशहूर है। और फर्स्ट पैरे विच जिवें अर्शिया ने दस्या कि वो फर्स्ट पैरे विच उहदा नितनेम दस्या कि वो सवेरे सवक्ते उठदा है, वाहिगुरु का जाप करता है, पशुआं नूं पट्ठे पाउंदा है, फिर खेतों में जाने तो पहला अपनी पत्नी धन कौर नूं लस्सी का छन्ना लैके आने लई कहिंदा कि उसने अपने काम लई खेती ते जाना, खेती करन जाना। सैकेंड पैरेज की दर्शाया गया? सैकेंड पैरेज कौन दसेगा? यस बेटे, सैकेंड पैरेज की पढ़िया सी तुसी कल? प्लीज वेव योर हैंड। आर्यन। यस बेटे आर्यन। मैम, सेकंड पैरे विच दस्से गया सी किस तरह वो खेती करता है। वो बलदा नू चारा पांदा है ते उसदे घर दे कहंदे ने कि तू तू तां बलदा नू लेके खेती करता है, लोकां नू देख, वो तां नवे नवे ट्रैक्टर लियांदे हां, पर तू तां बलदा नाल खेती करता है। ते वो कहंदा है कि जो मजा बलदा नाल खेती करन विच है वो किसे विच नहीं है। और नेक्स्ट पैरे विच है पा सेकंड पैरे विच तुसी गुड है, गुड आंसर, गुड ट्राई तोड़े वल्लों के बलदा वाला प्यारा सिंह दा नितनेम भी दस्या है। जिवें आपां पहले पैरे च पढ़िया कि वो जदों घरों चले जांदा वो दसदा है कि उसदे बल्द जिहड़े सी नवे नरोए सी उहनां नूं पहलां चारा पाउंदा है, जदों चारा खा के रज जांदे ने फिर उहनां नूं लै के वो खेत ते जांदा है। खेत जाके उहने अपना हल जोड़ने हुंदे ने, उहनूं अपने खेत हरे भरे जापदे ने, हरे भरे रहिंदे ने। उह कहिंदा खेतां नूं बड़ी ध्यान नाल उहदी देखभाल करदा धीआं पुत्तरां वांग। फिर वो खेतीबाड़ी करता होया उन्हों अपने पिता दे दसे हुए सारे तरीके याद करता है कि उसके पिता दीदार सिंह जी किदा खेती करते होंगे सन। थर्ड पैरेज की पढ़िया है कि हर उस वक्ते जदों खेतों वाल जाता है तो खेत की हर वट से बन्ने ते वो चक्कर लगाता है, रुख बूटे ते फसलों के पत्तियां नूं ध्यान नाल देखता है, धीआं पुत्तां तो वध उन्हां दा ख्याल रखता है। नेक्स्ट पैरेज पढ़िया कि उन्हों अजिहा करके बड़ी तसली है ते उन्हों किसे चीज दी भी वो समझ है कि उसके घर विच कोई तंगी तुसी नहीं है। हाँ जी अनमोल, अनमोल। यस बेटे चलो मैम, रीडिंग रीडिंग करोगे तुसी? आपा पहला पहला कैसे? कल वाला जेड़ा रीड किता ओदे नाल आपा डिस्कस करके तुसी इन टच हो जाओ, फिर आपा नेक्स्ट रीडिंग करते हाँ। उसे घर विच कोई तंगी तुसी महसूस नहीं करता क्योंकि दुध पुत्त धी सब कुछ उन्हों लगता कि उसे घर विच ने दो मझां ने, दो नगोरी बल्द की जोड़ी है, एक गां है, उसनों अपना घर भरिया भरिया जापता है। जदों खेतां दे विच सवेरे सवेरे सवक्ते काम करन लग जांदा है तो अपनी हाजरी भी, हाजरी तो भाव है सवेर का नाश्ता भी वह खेतों विच करता है। इत्थे मीनिंग लिख लियो हाजरी तो की भाव है। वैसे तो हाजिरी का मतलब होंगे अटेंडेंस, जिवें तुहाडी अटेंडेंस नहीं हो रही कंप्लीट है। देखो क्लास में तुहाडी क्लास के बच्चे 50% बच्चे इस टाइम तक प्रेजेंट है ना, कितना अपसेट करने वाली गल है। 10 मिनट हो गए क्लास स्टार्ट हुए और पर इतने हाजिरी का की भाव है बेटे? इस लैसन के अकॉर्डिंग नाश्ता सवेर का भोजन वो खेतों में ही करता सी। टाली दी छां विच बैठ के वह रोटी खांदा, जदों उसकी पत्नी उसके लिए भोजन लैके जांदी सी। सारे मन में क्वेश्चन बने हैं कि उसकी हाजरी कौन लैके जांदा सी? उसकी पत्नी धन कौर कित्थे बैठ के रोटी खांदा सी? टाली दी छां विच। ते नाल नाल केड़ियां गल्लां करदे सी? खेतां दियां, खेतां विच बीजियां फसलां दियां। फिर नाल खूह दे नाल ही उन्हें की लाई हुई है कि छोटी जी खत्ती। खत्ती की हुंदी छोटा खेत जिस विच उन्हें की किया हुआ घर परिवार के लिए जड़िया सब्जियां बीजिया ने, क्योंकि वह घर की जी ताजी सब्जी ही कट वट के फिर बनाते हैं। घर के रसोई में कि सब्जी तैयार की जाती है? जी उन्होंने अपनी छोटी खत्ती विच बीजी हुई है, उतों ही लिया के वह घर के लिए सब्जी रिणते हैं। अजिहा करके उन्होंने बड़ी तसली होंगी है। पिंड विच हुण ट्रैक्टर आ गए, समय की मंग अनुसार, समय के बदलाव अनुसार, विज्ञानक सोच होने करके, उसारू सोच होने करके लोगों ने ट्रैक्टर ले ले, लोगों की जड़ी खेती करन दे जड़े साधन सी वो विज्ञानक हो गए,
ਗੁੱਡਣ ਦੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਵਾਢੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਰਪਿਤਾ ਅਰਪਿਤਾ ਪਹਿਲੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਅਨਮੋਲ ਕਰੇਗਾ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਟੇ ਅਰਪਿਤਾ ਯੈਸ ਮੈਮ ਯੈਸ ਬੇਟੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਪਹਿਲਾ ਰੀਡ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾ ਰੀਡ ਕਰੋ ਬੇਟੇ ਬਸਤ ਕਰ ਕੋਰੇ ਬਸਤ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਦੀ ਘਾਟਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦਾਜ ਲੈਣਾ ਨੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦਾਜ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਜ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦਾਜ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਸਾਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਣੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯੈਸ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਖੇਤੀ ਅਜੇ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਚ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਆਖਿਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਂਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੋ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲੈਸਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਤਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀਜ਼ ਨੇ ਬੇਟੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਪਰ ਬਲਦਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਦ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਲਿਵਿੰਗ ਹਾਈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ ਚਲੋ ਬੇਟੇ ਅਨਮੋਲ ਅਨਮੋਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਖੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਲਦਾ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਧਨ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਨ ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਬੇਟੇ ਅਖੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੇਲੇ ਖੇਤ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਦੇਹ ਨਿਰੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਧਨਕੌਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਖੇਤ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ
क्योंकि जड़ा वेला बंदा बैठा रहे वह तो जड़ा है बीमारियां नूं सहेड़ लैंदा, जबकि नो डाउट तुहानूं कोल सारा घर का काम काज भी करता है, जिवें कि सुगड़ सुहाणियां करदियां ने ना खेतां दे विच भी काम करदियां ने, घर का चुल्हा चुंका भी करदियां ने, कोई मेड्स नहीं रखियां होंदियां जिवें शहरां विच लोग अपना मेड रखते हैं, सारा काम उन्हां ते ही डिपेंड करता। फिर अपने सेहत नूं नरोआ रखने लई जिम ज्वाइन किए हुए ने, यही करते ने ना लोग, उहदे ते भी पैसा खर्च करते हैं। जबकि जे शरीर तुरदा फिरदा ना, तुसीं काम काज आप करते हो, घर के काम काज भी आप करते हो, सैर करते हो, सेहत नरोई रहती है। यस। तन कौर ने अपने पुत्र दे मन दी गल प्यारा सिंह नूं कह सुनाई सी, पर प्यारा सिंह ने स्पष्ट ही कह दिता, तन कौरे मैं तां जद तक नैन प्राण काम करदे ने कुदरती ढंग नाल ही खेती करूंगा। के प्यारा सिंह किदे नाल खेती करनी चाहुंदा है? कुदरती ढंगा नाल ही कहिंदा, जब तक मेरे को नैन प्राण ने, नैन मीन मेरी अखां दी रोशनी काम कर रही है, ते मेरे च जान है, मेरे च ताकत है, मैं तो कुदरती ढंगा नाल खेती करांगा। मैं नहीं कोई भी चीज लैनी दूजियां दी देखा देखी, जिन्ना कु पैसा आंदा उन्ने च असीं गुजारा करांगे, सानू अपना बहुत ज्यादा पैसे दी जरूरत नहीं है। यस। तेनों तां पता अद्धे पिंड दे लोग खाण लई कणक मक्की ते मूंगी अपने कोलों मुल लैंदे ने, लोकां नूं पता कि असीं लोक की लैके जांदे ने इन्हां कोलों, कणक मक्की ते मूंगी। ते बाद च जदों वन मार क्वेश्चन करने ने, तुसीं सारयां ने आंसर देने हन, कणक मक्की ते मूंगी दी दाल जिहड़ी तुसीं बनांदे हो घर विच। लोकां नूं पता कि असीं खेतां विच देसी रूड़ी दी खाद पाउंदे आ ते फसलां ते देसी रूड़ी दी खाद, फार्मी रूड़ी नहीं, फार्मी खाद नहीं पाउंदे। जबकि उहदी पत्नी ने सलाह दित्ती वी तू भी फार्मी खाद पाया कर, आपां पिछले पैरे च पढ़िया कल दी क्लास, फार्मी खाद मीन्स बनावटी, जिहदे विच मिलावट कीती हुई आ, जिहदे विच जिहड़े ने रसायनिक पदार्थ मिले हुए ने, घुले हुए ने। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਫਟਾਫਟ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਸੀ ਖਾਦ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਕੋਰੇ ਜੇ ਵਾਹ ਵਹਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜੋ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੋਡੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੋਡੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਕਟਾਈ ਛਟਾਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਧੰਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਦ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹੀ। ਕਹੀ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਸੰਦ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦ। ਯੈਸ। ਨੈਕਸਟ ਕੌਣ? ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ। ਨੈਕਸਟ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ? ਯੈਸ, ਜੈਲੇਸ਼। ਜੈਲੇਸ਼ ਵੀਰ ਬੇਟੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਪੁੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਡਰਲਾਈਨ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀ? ਧੁਨ ਦਾ ਪੱਕਾ। ਧੁਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲਾ। ਧੁਨ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਧੁਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਯੈਸ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਜਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪੂਜਦਾ ਪੂਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇੱਥੇ ਪੂਜਦਾ ਡਬਲ ਬਲੈਂਕਡ। ਯੈਸ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਖਦਾ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਪਿੱਛਣ ਸਾਰ ਹੀ ਬਲਦਾ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਲੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਜਿਹੜੇ ਬਲਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡਾ ਜਿਹਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋਤਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟੇ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ,
जी इन्हां नूं भी आराम दी लोड़ है भाई। देखो पशुआं दी कई बार समझ है, पशुआं दी जिंदगी नूं भी समझ है कि उन्हां ते ज्यादा जुल्म नहीं करने चाहिए, जिन्ना उन्होंने काम किया है इस करके उन्होंने भी आराम मिलना चाहिए, एवं थोड़ी उन्होंने बन्नी रखो। कई बार उसका पुत्र शाम नूं खेत आ पहुंचदा, पट्ठियां दियां भरियां रेड़ी ते लद के ओह दोवें प्यो पुत्र गल्लां करदे करदे घर नूं आ जांदे। हाँ उसके पुत्र भी माण है कि उसका पिता कितनी मेहनत करता है, और पुत्र दे ले पिता प्रेरणा का स्रोत है, इस करके जड़ा पुत्र प्रीतम है वो अपने पिता नु देखता है कि मेरे पिता जी किवें काम करते ने, उन्होंने पूरा पूरा साथ दिंदा है। जिवें अजकल दे बच्चे कई बार परवाह ही नहीं करते, पर नहीं जो जे बच्चों संस्कार दोगे उहे जे ही बच्चे है जड़े अपने माता पिता का साथ देंगे, आज्ञाकार बनेंगे। यस बेटे पशुओं नूं पानी पिया के पट्ठे दिते, कौन बात प्यारा सिंह चनानी कोल आके पुछदा बेटी पाल कादी बनाई है। हुण बेटी का नाम भी आ गया बेटे, धी का नाम की है पाल। पहला शुरू च आपां पढ़िया कि चलानी दे कोल अपनी धन कौर नूं आवाज दिंदा कि मेरे लिए लस्सी का गिलास लै, मैं खेत नूं जाणा। चलानी का आपां मीनिंग लिखा है कि नीवी छत। यस बेटे जसलीन तुसी रीडिंग करो। जसलीन यस मैम। हां जी स्पीड नाल करना बेटे, आपां क्वेश्चन आंसर भी करने हैं फिर। हां जी फलियां तरियां ने बापू जी, बेबे दोपहर वेले खेत चो फलियां तोड़ ले आई सी। आपां पहला ही रीड कीता, आपां पहला ही रीड कीता कि जेड़ियां छोटी खत्ती विच उन्हां ने घर परिवार लई सब्जियां बीजियां हन, उन्हां सब्जियां नूं ही अपने घर के चुले चौके रिन्न देने। केड़ी सब्जी बनाई है? फलियां आलू की, बीन्स जिन्हों कहते हैं। तुसी बीन्स की सब्जी खाते हो गए ना, आलू पाके बनती है। कहते घर के सब्जी बनाई है फलियां की, तो फलियां भी मम्मी कहते बेबे जी धन कौर जी उतो तोड़ के लियाए सन। यस पतीले विच करछी मारती बाल बोलती, ले सब्जियां दे सुन ले, सारा आंट गुआंट मेरे कोलो सब्जियां मंग के ले जांदा। देखो किन्ना मान करदा अपने आप ते, कहंदा सारा आंट गुआंट मेरे कोलो सब्जी लेके जांदा, क्योंकि ओनू पता है कि ये देसी रूड़ी दी खाद मिलांदा है, इन्हां दीआं सब्जियां च कोई मिलावट नहीं है। कहंदे थोड़ियां सब्जियां ते दवाई नहीं छिड़की हुंदी। धन कौर प्यारा सिंह दे अगे रोटी दी थाली रखदी हुई आख रही सी। ए कौन कहंदी? धन कौर कहंदी है। धन कौर कहंदी देखो सुनदे हो जी अपने, उन्होंने कहंदी देखो साढ़े तो आंढ गुआंढ भी सब्जी लाके जांदा है, कि कहंदे तुहाडी सब्जी जिहड़ी बीजी हुंदी है उहदे विच कोई भी मिलावट नहीं हुंदी। यस साग सत्तू अते सब्जियां ते दवाई छिड़क के ए लोग खानगे की, प्यारा सिंह रोटी दी बुरकी तोड़दा बोलिया। बुरकी बापू जी रोटी दी बाइट तोड़दा है, कहंदा कहंदा बिलकुल सही कहनी है धन कौर, ये बेचारे जेड़े लोग दवाइया छिड़के चीजा बनाते ने खा के लोगों ने मरना ही है, बीमारियां घेरनिया ने। कोई साग जेड़ी की जेड़ी पंजाबियों की प्रसिद्ध खुराक है, मन भौंदी खुराक है, कोई ओदे विच भी कोई मिलावट करता? साग सत्तू होया सब्जियां होया कहिंदे इन्हां च कोई मिलावट करनी चाहिए है। यस बापू जी हुण तां सरकार भी पानी दे डिग्दे पद्धर बारे सोचण लग पई आ। पानी का लेवल दिन ब दिन घटता जा रहा, तुहानू भी पता ना कि पानी का लेवल है जिहड़ा दिन प्रतिदिन घटता जा रहा, इहदे बारे सरकार बहुत चिंतित है कहिंदा, पर इहदे लई सरकार नूं कुछ सोचना चाहिए, स्कीमां भी बना रही है सरकार कि किवें पानी का लेवल उपर लिया लियांदा जाए, कि किवें पानी की संभाल कीती जाए। हां जी प्रीतम बैठा जो मंजा कढ़ के बरांडे विच डोंदा होया कह रहा सी, भाई धरती विच पानी किन्ना कु, किसानां नूं आप सोचना चाहिदा, खेतां विच रुख बूटे ला के धरती नूं हरा भरा रखन ताकि पानी दी घाट ही ना रहे। रोटी खा के हथ धोंदा प्यारा सिंह पुत्तर नूं कह रहा सी। इहदा मतलब जदों प्यारा सिंह घर आ गया पहला अपनी धी नाल गलबात करदा है, अपने पुत्र धियां दे नाल देखो विचार किवें साझा करदा है, हस्ता वस्ता परिवार है, पर हस्ता वस्ता परिवार उही रहिंदा है जिहड़े हेरा फेरी नहीं करदे, जिहड़े रब ते विश्वास रखदे ने, वाहिगुरु दा नाम जपदे ने ते सच्ची सुच्ची किरत करदे ने, उहनां दे घर विच बरकतां ने,
खुशियां नहीं ते जेड़े जेड़े दूजियां दी देखा देखी अपने आप नूं परेशान नहीं करदे। एक भी मैंबर घर दा जेकर ये आके कह दिंदा ना कि उन्होंने कोल तां वड्डी गड्डी है, उन्होंने कोल तां इन्ना कुछ है, ट्रैक्टर है पिंड, तो घर सारा परेशानी घिरिया जांदा, सारी खुशहाली घर दी दूर हो जांदी है। पर इस परिवार विच सारे एक दूजे की गल के हाँ च हाँ मिलाते हैं। नो डाउट धन कौर कहती है लोगों को देख के, पर फिर चुप कर जाती है कि वह पति सही कहता है। वह कहती है ना कि लोगों ने ट्रैक्टर ला लेने, आप भी लीए, बीजन बुढ़न दया मशीन आ गई ने, आप भी अपनी खेतीबाड़ी प्रफुल्लित करिए। कहना नहीं नहीं, आप सादे जीवन च ही रहना, सादे ढंग न ही सारे कार्य रास करने हैं। यस प्रीतमा देख तो बाहर गेट से कोई खड़ा लगता, फिर गुड़ दी रोटी रोड़ी खांदा होया प्यारा सिंह आप भी गेट वल नूं तुर पिया। गुड़ दी प्यारा सिंह भावे बेटे, देखो खाने तो बाद कहंदे आ जां तां लोग सौंफ खांदे हुंदे आ जां गुड़ खांदे, क्योंकि जिहड़ी खाना खाधा होया ना वह छेती हजम हो जांदा। गुड़ तां कहंदे बहुत अच्छी चीज है ना कि खाने तो बाद जरूर लैना चाहिए गुड़, तुसीं भी लिया करो बच्चो। जब तुसीं खाना खा लैंदे हो ना, कई बारी तुसीं फास्ट फूड खांदे हो, कई बारी डाइजेस्ट नहीं हुंदा, तां गुड़ जां शक्कर जरूर लैनी चाहिए जां सौंफ लैनी चाहिए। यस बेटे प्यारा सिंगा करे ना भाई प्रीतम सिंह, सिंगा नहीं प्यारा सिया करे हैं भाई। हां प्रीतम सिंह ने गेट खोलिया ता सरपंच अंदर लंघ आया। आओ सरपंच साहब आओ बैठो। पैरा नहीं पड़ता है सरपंच हुंदा है जेड़ा पंचां दा पंच, जेड़ा के पिंड दे जेड़े कोई फैसले हुंदे ना जरूरी मामले उन्हां दा कई बारी जिहड़ा फैसला करना होवे ना पंचायत ही कर लैंदी है, कि कोर्ट कचहरियां च नहीं जाना हुंदा, जिहदे विच लंबरदार नंबरदार होर जिहड़े पिंड दे सियाने लोग शामिल हुंदे ने। यस बैना नहीं प्यारा सुना मैं तां तेरे लई खास सुनेहा लैके आया। कल नूं अपने पिंड खेती महकमे दे बंदिया ने कुदरती खेती बारे किसानां नाल गल्लां करन आउणा। अंडरलाइन करो केड़े बंदिया ने पिंड विच आना, खेती महकमे दे बंदिया ने की करन लई आना, किसानां दे नाल गल्लां बातां करन आउणा, खेती बाड़ी नाल संबंधित। ये सारे वन मार्क क्वेश्चन आपां ये लैसन रीड करन तों बाद करदे आं बेटे। यस तेरे बारे उन्हां ने खास तौर ते पुछा, तेरी ओ बड़ी तारीफ करदे सी, तू 10 बजे पंचायत घर पहुंच जावे। ये कौन किन्नू कह रहे हैं बेटे, कौन दसेगा ये किन्ने शब्द किन्नू कहे ने? सरपंच। हाँ सरपंच ने किन्नू कहे ने बेटे? प्यारा सिंह नु। प्यारा सिंह नु ओदी सिफत विच कहने के सारे पिंड दे लई तू बड़ी मान वाली गल है, तेरे ते तां सारे पिंड नु मान है ते पंचायत नु खास करके मान है, ते जड़े लोग आ रहे ने ना खेतीबाड़ी महकमे वालों उन्हां दे सामने तू सारे विचार रखने ने, तू अपने पिंड दे वालों रिप्रेजेंट करना है खेतीबाड़ी बारे, तू उन्हां नूं इंप्रेस करना अपने भाषण दे राहीं। यस सरपंच गल करके मुड़न लग्या फिर बोलिया, मैं तां उन्हां नूं कहता साडा पिंड तां ओहदे कोलों ही सिख लो खेती करनी। फिर हसदा हसदा किहदे कोलों सिख लो? खेती बाड़ी दे तरीके कित्थों सिखणगे प्यारा सिंह तों। यस फिर हसदा हसदा सरपंच वापस मुड़ गया। हसदा हसदा दा मतलब है बड़ा ही खुश है, बड़ा ही मान करता है प्यारा सिंह ते कि साढ़े पिंड विच इन्ना सियाना बंदा है जिहड़ा दूजियां दे लई एक एग्जाम्पल है, एक मोटिवेशनल इंस्पीरेशनल परसनैलिटी है साढ़े पिंड दी, जिहड़ी कि दूजियां नूं इंस्पायर करदी है कि मेहनत करो, दब के वाह ते रज के खा, जिहदी अंदरली सोच है किहदी? प्यारा सिंह दी। यस आ तां कमाल हो गई बापू, प्रीतम सिंह अपने बापू ते मान करदा धरती तो गिठ उच्चा हो गया सी। देखो प्रीतम सिंह नु किन्ना मान प्राप्त होया कि साडे घर विच सरपंच आया किदे लई? मेरे बापू दे लई, इह कहण कि तू साडे वल्लों तू उहनां खेती महकमे दे बंदिआं नाल गल करनी ते इह कह देना कि साडा तां प्यारा सिंह ही सारे पिंड दे लोकां नूं खेतीबाड़ी दे तरीके सिखाएगा, किन्नी माण वाली गल है फैमिली मैंबर्स दे लई।
गिठ उच्चा हो गया, कद उच्चा हो गया, कद का मतलब है वो तो बहुत उच्चा हो गया कि मेरा पिता इन्ना महान ते मैं तो इन्हों के रस्ते ते चलना है ते के पूर्णिया ते चलना है। यस चलो अर्पिता, अर्पिता रीड करेगी, अर्पिता रीड करो बेटे लास्ट पैरा। यस बच्चे भाई चंगे काम दा नतीजा चंगा ही हुंदा, चलो चलो क्योंकि अपना काम भी रात नूं शुरू करदे ने, रिटन वर्क 10 बजे तो बाद नाल नाल मोबाइल चलते ने अपने फ्रेंड सर्कल नाल कॉन्फ्रेंस कॉल ले लेंगे ने नाल नाल होमवर्क होंगे ने, ये अजकल के बच्चों का ट्रेंड है। जबकि प्यारा सिंह की कहता है, प्यारा सिंह की सोचनी है कि जल्दी सोना चाहिए तो सवेरे जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि जो सवेरे जल्दी उठांगे माइंड फ्रैश होएगा तो साड़ी सोच भी चंगी, क्योंकि हर नवी सवेर साडे लिए नवा सुनेहा लैके आती है। यस बेटे सब खत्ते उठ के पहला खेत नूं जावांगे, प्यारा सिंह सुन लई अपने मंजे ते जा बैठा, थोड़ी देर ओ मंजे ते बैठा सोचदा रहा फिर सो गया। एओ जपदा सी जिवें प्यारा सिंह नवी सवेरे दे सुपने लेंदा, पिंड दे किसाना नूं कुदरती ढंग ਚੰਗਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਟੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੈਸਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੇ ਲੈਸਨ ਸੁਣੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਬੇਟੇ? ਨੋ ਡਾਊਟ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ। 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬੋਲੋ 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਚ ਕਰ ਲਈਏ ਡਿਸਕਸ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਆਂਸਰ ਆਂਸਰ ਲਿਖ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਭੇਜਾਂਗੀ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਸਵਖਤੇ? ਬੋਲੋ ਆਂਸਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, अनम्यूट योरसेल्फ। कितने बजे बेटे उठता है? चलो मैं सबको अनम्यूट कर दिया, बोलो आंसर। यस बेटे नमिया, अर्शिया बोलो बेटे आंसर। 4 बजे, 4 बजे वक्ते उठता सी, कितने बजे उठता बेटे? 4 बजे। अगला क्वेश्चन, प्यारा सिंह किसका जाप करता सी? यस वाहिगुरु दा जाप करता सी, वेरी गुड। प्यारा सिंह की पत्नी पुत्र ते पिता दा बापू दा की नाम सी? यस बेटे अर्पिता, अनमोल बोलो बेटे आंसर। उस दे बापू दा नाम दीदार सिंह सी। बापू दा नाम दीदार सिंह, पत्नी दा नाम धन कौर, पुत्र दा नाम प्रीतम सिंह, धी का नाम की सी? पाल, पाल सी, धी का नाम पाल है। अगे सारा पिंड प्यारा सिंह नूं की कह के बुलांदा सी? जले बलदा वाला प्यारा, हां बलदा वाला प्यारा सिंह, बलदा वाला प्यारा सिंह। प्यारा सिंह को किन्नी जमीन है कुल? किन्नी जमीन है बेटे? किन्ने बिगे? 20 बिगे जमीन है, जिवें मरले हुंदे ने ना उवें, जिवें गज हुंदे ने, 20 बिगे जमीन है, ਜਿਵੇਂ ਕਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਿੱਥੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ? ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਯੈਸ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਤ ਕਿਉਂ ਜੇ ਸਨ? ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੇਤ ਹਰੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹਰੇ ਭਰੇ ਖੇਤ ਸਨ। ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਉਂ ਜੇ ਖੇਤ ਨੇ? ਹਰੇ ਭਰੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੱਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਬਜ਼ੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ,
अपने परिवार लई फल ते सब्जियां लगाईयां होईयां सन। खेतां विच हाजरी लैके कौन जांदा सी? उसकी पत्नी धन कौर। उसकी पत्नी धन कौर। प्यारा सिंह बलदां दी जोड़ी कित्थों लैके आया सी? हांजी लगोरी तों। कित्थों लैके आया सी? नगौर दे इलाके तों। नगौर तों बलदां दी जोड़ी लियाया, दो बलदां दी जोड़ी। अगे नेक्स्ट, प्यारा सिंह किस गल विच यकीन रखदा सी? हुण बोलो आंसर। लक्ष्य किस गल विच यकीन रखदा? बस चुप कर गए। किस गल विच दब के वाह रज के खा विचार विच यकीन रखदा है? दब के वाह ते रज के खा। प्यारा सिंह क्यों जे ढंग नाल खेती करनी चाहुंदा है? क्यों जे ढंग नाल लक्ष्य है? क्यों जे ढंग नाल खेती करनी चाहुंदा है? कुदरती ढंग नाल। प्यारा सिंह दा मुंडा, बारहवीं जमात विच पढ़दा है ते कुड़ी ने ई कीती ते डिग्री हासिल कर ली है। एलीमेंट्री टीचर ट्रेनिंग। अगे पिंड दे लोग प्यारा सिंह तो की लैके जांदे? कनक मक्की ते मूंग लैके जांदे सन। पर बाकी दे बड़े क्वेश्चन आपां कल दी क्लास विच डिस्कस करांगे। तुसीं इह क्वेश्चन अच्छी तरह कर लैणे है और मैं तुहानूं वनमा कुछ की असाइनमेंट भेजांगी। पर हाँ, जिहड़े बच्चों का होलीडेज होमवर्क रहता है वो बच्चे अजे टाइमली सेंड कर देंगे।